गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा रहे हैं, पैरालेक्स मेथड। इस मेथड डिटरमाइन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे स्टार है, सन है, इनकी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए पैरालेक्स मेथड का यूज किया जाता है। अब देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट सीन फर्स्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है और फिर इसको हम सेकेंड पॉइंट से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के शिफ्ट होने की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द बेस इज कॉल्ड पैरालेक्स। बेस क्या कहलाता है? जैसे आज के हमने यहाँ पर देखा, पॉइंट ए से देखा स्टार को, देखा वो को, फिर हमने इसको पॉइंट बी से देखा, ये भी आज पर ही कोई ना कोई पॉइंट है, तो इसकी थोड़ी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, ये कहलाता है पैरालेक्स कहलाता है। पैरालेक्स मेथड से हम लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, जिस डिस्टेंस पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम लोग स्टार पर नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे उसकी डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं ये पैरालेक्स मेथड में बताया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार मतलब किसी स्टार की डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं। देखिए, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार वी टेक अ लॉन्ग बेस, हमें लॉन्ग बेस लेते हैं, ऐसे अर्थ है अर्थ सन के चारों ओर राउंड लगाती है। तो ये अल्लाह सपोज किसी इंस्टेंट टाइम पर अर्थ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ से हमने स्टार ओ को देखा और इसका एंगल मेजरमेंट थीटा वन किया। आफ्टर 6 मंथ हम पॉइंट बी पर पहुंच चुके हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये होता है कि सन और अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो देखिए, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार वी चूज अ लॉन्ग बेस, हमें लॉन्ग बेस का सिलेक्शन करते हैं, हुज लेंथ इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होती है, डायमीटर ऑफ द पाथ रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑफ द अर्थ है, अर्थ आज सन के चारों रेवोल्यूशन करती है, उसका जो डायमीटर है उतना इतना बड़ा बेस लेते हैं। अब इसमें सी पॉइंट क्या है, देखिए सी एक ऐसा स्टार है, ये वाला बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर कोई प्लेस स्टार है, इस सी स्टार को हम मतलब पॉइंट ए अर्थ से किसी भी पॉइंट से देखें सभी जगह इसकी पोजीशन सेम रहती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत लॉन्ग रहती है एक कंपेयर टू द डायमीटर। डायमीटर ए भी जो है आपका, इससे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है इसकी, इसी को जिस पॉइंट से देखा जाए स्टार सी को सभी जगह उसका डायरेक्शन सबको सेम रहता है। ए एंड बी क्या है इसमें, देखिए ए एंड बी आर द 2 diametrically opposite points है, और वो क्या है यहाँ पर स्टार फिर डिस्टेंस भी कैन मेजर, वो एक ऐसा स्टार है जहाँ जिसकी डिस्टेंस हमें अर्थ से मेजरमेंट करनी है। तो आप दोस्तों हेडिंग डालिए डिस्टेंस ऑफ अ स्टार और इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिखिए, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट स्टार वी चूज अ लॉन्ग बेस, हमें लॉन्ग बेस का सिलेक्शन करते हैं, हुज लेंथ इज इक्वल टू द डायमीटर, उसकी लेंथ किसके इक्वल है, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ पाथ है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, ये अर्थ है अर्थ सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है, उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर के इक्वल उसकी हम लेंथ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 points है, ए एंड बी क्या है इसमें, देखिए 2 points हैं, वो जो स्टार हु डिस्टेंस है ओ इज अ स्टार हुज डिस्टेंस है हुज डिस्टेंस इज डिटरमाइंड है,
वो एक ऐसा स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करनी है, यानी एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल ए ओ बी क्या कहलाता है? थीटा, इसे हम पैरालेक्स एंगल भी कहते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, ये क्या कहलाता है जी? पैरालेक्स एंगल कहलाता है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू लेंथ है ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है। थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए डी अपॉन एस है। ए बी क्या है? सपोज यहाँ से डायमीटर की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी है। और ओ ए क्या है? इसकी रेडियस है, तो डी अपॉन एस है। बी, इफ द वैल्यू डी एन थीटा इज नॉन, हमें थीटा की वैल्यू मालूम है और डी की वैल्यू मालूम है, तो बी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू ये रिपोर्ट कर देंगे तो हमें एस की वैल्यू मालूम चल जाएगी, यानी आर से उस स्टार की जो एवरेज डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें डी की वैल्यू जो मालूम है, डी क्या कहलाता है? डी कहलाता है टू एवरेज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है टू इंटू एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू स्टार। सन से फ्रॉम अर्थ टू सन, और से सन की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 10 टू दी पावर 11 मीटर होती है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 10 टू दी पावर 11 होती है, यानी सन से पॉइंट ए की डिस्टेंस और सन से पॉइंट बी की डिस्टेंस, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। यानी ए से बी तक की डिस्टेंस जो होगी 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तो मालूम है आपको। हमें फाइंड क्या करना है आपको? अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम ऐसे स्टार पर पहुंच नहीं सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा। डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में समझिए। लेट एनी सर्टेन टाइम ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द अर्थ है। किसी सर्टेन टाइम पर, किसी निश्चित टाइम पर एक ऐसा पॉइंट है अर्थ पर, कोई पॉइंट है। बी टेक अ सस्टेंड इंस्ट्रूमेंट है, सस्टेंड इंस्ट्रूमेंट से हम स्टार का डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं, और इसमें आपको एक टेलीस्कोप की हेल्प लेना पड़ती है। उस टेलीस्कोप का नेम है हिप्परकस टेलीस्कोप। इसकी सेक्शन इंस्ट्रूमेंट की दो डायरेक्शन होती हैं, एक डायरेक्शन सी के अलोंग लेंगे हम, एक डायरेक्शन ओ के अलोंग लेंगे। सी क्या है यहाँ पर? सी इज अ वेरी डिस्टेंस स्टार, देन सी मतलब ऐसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला कोई स्टार है। देन प्रैक्टिकली ए डायरेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस मे बी एज्यूम्ड टू बी सेम। इस स्टार सी की आज के डिफरेंट पॉइंट से डायरेक्शन एज्यूम सेम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? कि हमेशा ये डायरेक्शन कैसी होती है? सेम होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। जैसे आप सन ही है, देख लीजिए आप सन को, आप चाहे अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट इंडिया के किसी भी कॉर्नर से देखें, आप देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट से उसका डायरेक्शन सेम दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि सन से आज की डिस्टेंस बहुत लॉन्ग होती है। इस और सी क्या है? सन से भी लॉन्ग डिस्टेंस वाला कोई स्टार है। जैसे आप अभी देखते हैं स्टार सी को, उसकी जो डायरेक्शन है
आफ्टर 6 मंथ भी आप देखेंगे उसी पॉइंट से उसी की डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन सेम मानी जाएगी। तो प्रैक्टिकली इसकी डायरेक्शन एजविंड में भी सेम। आफ्टर आप देखिए आफ्टर 6 मंथ है, ऑब्जर्वेशन द पॉइंट बिकम्स बी ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों रिवॉल्यूशन करती है, एक राउंड पूरा 12 मंथ में अप्लाई कवर कर लेती है। तो आफ्टर 6 मंथ है अर्थ एक से कहाँ पहुँच जाएगी, पॉइंट बी पर पहुँच जाएगी, और ए और बी की पोजिशन एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पोजिशन होगी। तो यहाँ से भी हम जो सेक्समेंट इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से एंगल थीटा टू मेजरमेंट करते हैं। कैसे मेजरमेंट करेंगे, देखिए सेक्समेंट इंस्ट्रूमेंट की एक डायरेक्शन स्टार ओ के अलोंग होगी, और टेलीस्कोप की हेल्प से हम की सेकेंड डायरेक्शन को सी के अलोंग लाते हैं, और सेक्समेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम थीटा टू एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने ये सपोज एक लाइन ड्रॉ की, इसका नाम रख दिया है ओ ई। तो आप ध्यान से देखिए, मैथमेटिकल के रोल से देखिए, आप एंगल सी ओ ए, सी ओ ए इक्वल टू एंगल ई ओ ए इक्वल टू थीटा वन है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ओ ई और ए सी कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये थीटा वन, ये थीटा वन कैसे होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल आपका सी बी ओ एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल ई ओ बी ये थीटा टू हो जाएगा। अब देखिए फिगर में थीटा वन और प्लस थीटा टू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस है थीटा टू। इस तरह हम थीटा की वैल्यू मेजरमेंट करके अब थीटा की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जो एस की वैल्यू है, क्या है एस की वैल्यू, एस की वैल्यू है डी अपॉन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें डी की वैल्यू मालूम है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और थीटा की वैल्यू हमने से डिटरमाइन कर ली है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, या बी कैन फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ स्टार ओ फ्रॉम द अर्थ है, ऐसे हम इसकी डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। ये अर्थ में डिस्टेंस मेजरमेंट करने का इनडायरेक्ट मेथड है। ये बात फिर से समझ लीजिए थोड़ा, इसमें देखिए इसमें क्या है, देखिए टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट स्टार वी चूज अ लॉन्ग बेस। हम लॉन्ग बेस का चूज करते हैं, कोई लेंथ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द पाथ अराउंड द सन। सन के चारों ओर का जो पाथ होता है रिवॉल्यूशन करने का अर्थ का, उसकी डायमीटर के इक्वल लेते हैं। अब देखिए एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो एस इक्वल टू डी अपॉन थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। डी क्या कहलाती है, ए से बी तक की डिस्टेंस कहलाती है, और सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10^11 मीटर होती है, और सन से बी की डिस्टेंस भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगी। इस तरह से ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। हमें थीटा की वैल्यू मेजरमेंट करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और हिपरकस टेलीस्कोप लेते हैं। पहले अर्थ के किसी पॉइंट ए पर हम यहाँ पर सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, और इससे हम देखिए सी स्टार ओ स्टार दोनों की ओर इसकी डायरेक्शन करते हैं। एक डायरेक्शन करते हैं स्टार सी की ओर, इसका एक सेगमेंट की डायरेक्शन कहाँ करते हैं, ओ की ओर। और सेगमेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम एंगल थीटा वन मेजरमेंट कर लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ हम उसी पॉइंट पर फिर खड़े हो जाते हैं जिस पॉइंट से आपने पहले स्टैंड हुए थे। लेकिन आता 6 मंथ अर्थ की पोजिशन कहाँ हो जाती है, बिकम से बी ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन। और यहाँ से भी हम देखिए सी स्टार की ओर एक डायरेक्शन लेते हैं, एक डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, स्टार ओ की ओर डायरेक्शन लेंगे,
और वी मेजर द एंगल थीटा टू विद द हेल्प ऑफ सेक्समेंट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए थीटा टू मेजरमेंट कर लिया आपने, अब देखिए जो वैल्यू आपकी सी ओ ए की है वही वैल्यू ई ओ ए की है, क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, यानी थीटा वन है। ऐसे ही जो वैल्यू सी वी ओ एंगल की है उतनी वैल्यू ई ओ बी की एंगल की है, ये थीटा टू कहलाएगा। ये क्लियर है, थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू। इस तरह से हम एंगल थीटा की वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं बिना स्टार पहुँचे, ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा। तो थीटा की वैल्यू मेजरमेंट हो जाती है तो हम एस इक्वल टू डी अपॉन थीटा में डी ओ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे उस स्टार की सन से आर से एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो मेजरमेंट हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये पैरेलल मेथड समाप्त हुआ है। थैंक यू।